सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार है। जय श्री राम, जय हनुमती नमः, श्री हनुमती नमः। प्रश्न है कि रामचरितमानस का पाठ करने से क्या फल मिलता है। संपर्क सूत्र मैंने लिख दिया है, अब इसके उत्तर क्या हैं कि पाठ करने से क्या क्या प्राप्त होता है, आइए हम जानते हैं। पाठ करने से सर्वप्रथम रामचरितमानस का पाठ ही करना चाहिए, रामचरितमानस का पाठ ही करना चाहिए, न कि ढोल मजीरे संगीत के साथ पाठ नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं आगे आप सबको बताऊंगा। अगर आप पाठ करते हैं पाठ के हिसाब से, जिस तरह से दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, तो फल की प्राप्ति होती है। आपको अगर किसी कार्य के लिए फल की प्राप्ति चाहिए तो आपको ऐसा करना पड़ेगा।